बहुत अच्छा गाना। कुछ तो होगा। आप इसके बारे में बताएंगे कि ये जो बच्चा है न्यू बॉर्न, उसके लिए ये किस तरह के गीत गाए जा रहे हैं? ये इस तरह के गीत गा रहे हैं खुशी के लिए, नामकरण की खुशी में, जिस दिन नाम रखा जाता है। तो आप इसे जच्चा गीत बोलते हो? जच्चा गीत, जच्चा गीत, जच्चा बच्चा गीत। चलो थैंक यू। तोहफे वाला गीत ललत लेती है, छानी लेती है, घर लड़के लेती है, भाई बेटा हुआ है कुछ तो दो, भाई बधाई के लिए आया कुछ तो दो, ये उसके लिए गीत गाया जाएगा। यानी कि खुशी का इजहार किया जाता है, बहुत बड़ी खुशी हमारे घर में क्योंकि हमारा वंश चलाने वाला आ गया है, तो इससे बड़ा तोहफा कुछ हो नहीं सकता। बहु किसी का नाम क्या सोचे बेटा, कहाँ से? अभी एक दो नाम सिलेक्ट किए थे, उसमें से फाइनल करना था कृष्णव और केसवी, कृष्णव और मम्मी बोली थी पृथ्वी के लिए। अच्छा, ये सारे हाँ। अभी फाइनल नहीं किया, ऐसे सिलेक्ट कर रहे थे। हाँ। केशवम, हाँ ये भी अच्छा है, केशवम। तो यहाँ अभी आज नामकरण हुआ है, राशि मिल गई है, राशि के पहले अक्षर नाम के मिल गए हैं, तो यहाँ पर उसके नाम की चर्चा भी हो रही है कि क्या नाम रखना चाहिए, तो ये अपना अपना व्यू भी दे रहे हैं। तो फाइनली ये साहब, इनका एक नाम आएगा जो आगे की सृष्टि में हर जगह पर चलेगा। मेरे मामे, मेरी मासियां, सबके नाम भगवान राम जी, राम कृष्ण, तो उस काम को मत करिए जो राम सबके नाम, तो उस कोई भी चीज को मत सुनिए जो आप उसको मार सको। जैसे हम गुरु बनाते हैं किसी को, लेकिन उसके खिलाफ हम सुनना नहीं चाहेंगे। वो जो बात आपका सोच है वो ठीक है, पर वैसे क्या कहते हैं, जो कई बार भी नाम ऐसा रखो कि घर में अच्छी वाइब्स आए, कि वाइब्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन। नहीं नहीं, नहीं मैं वैसे बात कर रही हूँ, पहले लोग ऐसे आपको पता है बच्चे की यहाँ पर नई सदस्य जो लेडीज उनका आने पर वेलकम करती हैं, मैं भी इनके आने पर वेलकम करता हूँ। आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, अपने बच्चे को देखने आए हैं, और बच्चे को आपने गोद में लिया और उसको ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी के लिए भी गवाए थे, बेटी भी तो वहीं से आई है, उसके लिए भी गवाए। दादी बहुत मतलब उसका हर चीज का एक लॉजिक बताती है, बड़ों की बातों में। हाँ। और बेटा है तो बेटा का भी गवाए। ये संगीत जो आज न्यू बॉर्न बेबी जो कि हमारा नाती है उसके होता है नाती में फर्क होता है। हाँ जी, वो तो अच्छा, तो ये हमें पता नहीं, तो हमने कहा ये पोता है, ये हमारा पोता है, और आज रमन की मम्मी है, पहचान लेना। हाँ, यहाँ पर ये कृतिका, उनका हम वेलकम करते हैं कि आज इनके सुपुत्र के लिए गाने गाए जा रहे हैं, और हम यहाँ हमारे भांजे की बहू वो आई हैं, बहुत दिनों के बाद आई, पर ऐसे फंक्शन पर आई तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आके उन्होंने जो संगीत और ढोलक बजाई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारी मैडम जी जो न्यूली बॉर्न सुपुत्र, उनकी दादी, यहाँ तो मैं शायद ठीक हूँगा, दादी जी, तो इनका भी इसमें शरीक हुई हैं, तो इनका भी मैं वेलकम करता हूँ। और MTNL वाले फ्रेंड हैं जो हमारी वाइफ हैं, उनके बहुत इष्ट मतलब फ्रेंडों में से आती हैं, और इनका भी यहाँ आने पर मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरे ये हमारे नए नए पड़ोसी जो ग्राउंड मतलब फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं, अमन की मम्मी, अमन तो पॉपुलर है हमारी कॉलोनी में,
तो अमन की मम्मी के नाम से ये जानी जाती है, जानी जाती है, तो मैं इनका भी वेलकम करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, सच में सॉरी। और इन्होंने सुपुत्र को लिया हुआ है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सुपुत्र को लेके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना सुकून मिल रहा है। इंतजार थी इस घड़ी की। तो यहाँ पर हमारे मिसेज ग्रोवर, इनके परिचय के लिए हमें बताने की जरूरत नहीं होती, बट ये जब से हम यहाँ आए हैं तब से इनका एडवाइस और सुकून के साथ एक अच्छे पड़ोसी जो यहाँ पर हैं, मैं इनके आने पर भी धन्यवाद देता हूँ। ये कन्या मिस्टर कसाना की सुपुत्री, मैं इसका भी वेलकम करता हूँ। अब तक की बहू, जो हम बहू भी मानते थे, बेटी भी मानते थे इसका, जब देखते थे तब ये हसमुख हमेशा इसने वेलकम किया, और धीरे धीरे वक्त बदला और कुशांक आया, तो कुशांक भी हमारा इस फ्लोर के ऊपर सबसे जूनियर आर्टिस्ट था। तो आज जो है इसके होते होते अब जूनियर आर्टिस्ट और आ गया, तो ये हमारा सीनियर कुशांक हो गया है, जूनियर टू, सीनियर टू बन गया, तो वो जूनियर टू है। तो मैं आपके और आपके कुशांक के आने पर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, धन्यवाद।